मेरे भाई और मेरे बच्चों, आप जो कार्य कर रहे हैं, जो आपको शिक्षा दी जा रही है, सीमाओं की रक्षा की, एक जवान मौत का कफन बांध करके अपनी सीमाओं की रक्षा करने के लिए घर से निकलता है, सीमाओं की रक्षा करने के लिए निकलता है, पर ऐसी हिंदू कार के अंदर कोई संस्था नहीं, कोई व्यापारिक वर्ग नहीं, कोई राजनीतिक पार्टियां नहीं, जो आपकी तरह राष्ट्रीय सीमा सुरक्षा मंच की तरह काम करती, कोई नहीं। हर व्यक्ति तो नहीं कहूंगा, काफी व्यक्ति लोग इस देश में रहते हैं, इस देश की मिट्टी का नमक खाते हैं, ये कुर्बानियों से सजी हुई धरती है। आप तो जा चुके, आप जो अभी बच्चे होकर एक ट्रेनिंग ले रहे हैं, आप तो जा चुके, आप हर लोग हैं। सवाल है कि दूसरे लोगों को जगाना है। हम कहते धर्म कमाओ इस धरती से, कोई दिक्कत नहीं, पर ये सोचो रात को सोने के वक्त कि हमने राष्ट्र को क्या किया। नेता बनो कोई दिक्कत नहीं, पर मकसद एक होना चाहिए, हमें राष्ट्र की सेवा में क्या योगदान है। वो किसी से पैसे नहीं मांगता। हम कहते अपना एक दूसरे को मिलते वक्त इतना कहना है, वंदे मातरम, भारत माता की जय, हमारे देश की तरफ आंख उठा के ना देखिए। आज जागने का वक्त है, अपनी सीमाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए जो कार्य आप कर रहे हैं, उसे कोई नहीं कर सकते। आप पे गर्व है हमें, और आप ही अपने आप पे गर्व महसूस कर रहे हैं कि जो आप कर रहे हैं वो कोई नहीं कर रहा। हमें विजेंद्र सिंह जी की तरह जो हमारे जोधपुर से मेंबर पार्लियामेंट मिनिस्टर हैं, उनके इतिहास को पढ़ लें, और भी कई इतिहास आपके होंगे इस संस्था के जुड़े हुए, पर मैं तो उनको नजदीक से देखा है, उनको देखना, उनका जो एक्सपीरियंस था, उनका जो अनुभव था पावर इंडिया का, वो जिस स्थान पर बैठे सेंट्रल गवर्नमेंट में जा नदियों पर की तरह बन गया, विजेंद्र सिंह की तरह बन गया, नितिन गडकरी की तरह बन गया, एक अच्छे ऐसे व्यक्ति बने जो हम अपनी भारत माता के बीच में अपनी सेवा कर सके। क्षमा चाहता हूँ, आगे फिर आपके साथ बात समाज के इस संस्था से जुड़े हुए राष्ट्रवाद, आप देशभक्त हैं, असली में दिखावे लोग बहुत करते हैं। आपने देश नाम सुना होगा विजेंद्र सिंह जो हमारे मिनिस्टर हैं, जोधपुर से मेंबर पार्लियामेंट हैं, वो इसी मंच पे 18 साल मेरे पुलिस के अधिकारी भी बता रहे थे, ड्राइवर 18 साल सीमाओं की रक्षा, उनके पास पैसे भी होंगे, कारोबार भी होगा, व्यापार भी होगा, पर उन्होंने अपना जीवन ऐशो आराम में नहीं, सीमाओं की सुरक्षा। कल मैं बॉर्डर के जवानों को मिलने आ रहा था, देख रहा हूँ वहां पानी खा रहा है और कुछ टैंकियां तैयार हो रही है। मैंने डीआई जी साहब से पूछा कि क्या है, कहते हैं विजेंद्र सिंह जी के लिए 18 साल उन्होंने सीमाओं की सुरक्षा के लिए बच्चों आपकी तरफ से बढ़ती है। उनको पता है कि यहाँ जवानों की मुश्किल आती है, उनको पानी सही मिले, उनको सड़के सही मिले, उनको बिजली सही मिले, उनको तकलीफ ना हो। मेरे पास टाइम कम है, मैं फिर कभी आपके पास होगा, आपको एक बात जरूर कहूंगा, मातृभूमि की सेवा ही भगवान की सेवा है, याद रखें। मातृभूमि अगर सुरक्षित नहीं है, ना हमारे मंदिर, ना हमारे गुरुद्वारे, ना कोई और कोई सेफ नहीं।